हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर कृपा। कैसे हो आप सब लोग? सो अगेन आई कम बैक विथ न्यू ओटमील रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आज हम ओट्स की कुकीज़ बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, और ये ग्लूटेन फ्री भी है और वेगन भी है। सो फ्रेंड्स, आप उसको मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, मिल्क के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो, और अगर आप चाहे तो इवनिंग स्नैक में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये रेसिपी को कैसे बनाते हैं। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी भी है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं ये रेसिपी को कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आज हम, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम कुकीज़ बनाने जा रहे हैं, तो आज हम कुकर में कुकीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है और गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, और यहाँ पे मैंने एक नमक का लेयर कर दिया है। और ये नमक मैं काफ़ी बार बैक में यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए ये नमक का कलर आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा है। आप चाहे तो फ्रेश नमक भी ले सकते हो, लेकिन ये नमक मैंने काफ़ी बार मैंने ऐसे बेकिंग में यूज़ किया हुआ है। और उसके ऊपर हम ये स्टैंड लगा देंगे। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप लोग छोटी कटोरी या फिर छोटी सी प्लेट भी रख सकते हो। और हम कुकर को अभी 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए रख देंगे। और याद रखें फ्रेंड्स कि हमें ये रिंग जो है वो नहीं रखनी है, रिंग और ये सीटी हमें निकाल देनी है। और हम ये अभी कुकर को बंद कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए हम कुकर को प्री हीट होने देंगे। तब तक हम कुकीज़ की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है, और कुकीज़ के लिए हम हेल्दी कुकीज़ बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम शुगर नहीं यूज़ करेंगे। सो इट्स द ग्लूटेन फ्री एंड वेगन कुकीज़ बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने ओवर राइप 2 बनानाज मैंने लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के। मैंने आपको ओवर राइप अगर आप बनाना ले तो ज़्यादा आपकी कुकीज़ जो है वो अच्छी बनेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ओवर राइप्स बनाना यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी हम ये बनानास को निकाल लेते हैं उसके छिलके। आप देख सकते हैं कितने ओवर राइप हो चुके हैं ये बनाना। इसके हम पीसीस कर देंगे। और स्मैशर की हेल्प से हम इसको स्मैश कर लेंगे। जितना फ्रेंड्स आप लोग ओवर राइप बनाना यूज़ करोगे तो उसकी स्वीटनेस जो है वो हमारे कुकीज़ में ज़्यादा अच्छी आएगी, बिकॉज़ हम कुकीज़ में कोई भी हम ऑर्डिनरी स्वीट नहीं यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे बनानास यहाँ पे अच्छी तरह से स्मैश हो चुके हैं। अभी हम ओटमील कुकीज़ बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ओट्स लिए हैं, क्विक ओट्स। ठीक है, तो अभी हम ये ओट्स इसमें ऐड कर देते हैं। और ये 1.5 कप भी ऐड कर देती हूँ इसमें, और अच्छी तरह से हम इसको बनाना के साथ मिक्स कर देंगे ओट्स को। और साथ में ही बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे हम 1/4 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर ऐड करूँगी। उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे कुछ आलमंड्स के स्लाइसिंग है, तो वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और हेल्दी है। जो लोग अभी वेट लॉस जर्नी पे है वो ये रेसिपी को अच्छी तरह से सुबह, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट में भी दूध के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं बनाना के साथ। और अभी हम एंड में फ्यू, यहाँ पे मेरे पास चोको चिप्स है, तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ।
बस अभी हम इसकी कुकीज बना के, ये प्लेट जो है मैंने यहाँ पे स्टील का मैंने एक प्लेट लिया है और उसको मैंने पहले से ही बटर से ग्रीस करके रेडी रखा है। तो अभी हम कुकीज बना के इसमें रख देंगे, उसको थोड़ा सा ओवल शेप दे देंगे हाथों से। लाइक दिस दूसरी भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा कुकर भी अभी प्री हीट हो चुका है। तो अभी मैंने सारी कुकीज ये प्लेट में ऐसे रेडी कर ली है, तो अभी ये प्लेट हम कुकर के अंदर रख देंगे। ध्यान से रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा कुकर जो है बहुत ही गर्म है। तो मैंने सावधानी से प्लेट को रख दिया है कुकर के अंदर। अभी हम कुकर को बंद कर देंगे और अभी 15 से 20 मिनट तक हम कुकीज को बेक होने के लिए रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी 20 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी कुकीज कैसी हुई है। तो हम कुकर को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी कुकीज ब्राउन हो चुकी है, तो उसका मतलब है कि वो बेक हो गई है। तो अभी हम उसको टच नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा उसको कूल डाउन होने देंगे, उसके बाद ही हम उसको प्लेट में से निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी कुकीज़ जो है वो बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह से वो बेक भी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो फ्रेंड्स ये कैसी ब्राउन भी हो गई है ना, अच्छी तरह से ये बेक भी हो गई है। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना कितनी क्रिस्पी और यमी दिखने में। सो फ्रेंड्स, ये वेट लॉस कुकीज़ है और साथ में हेल्दी भी है, और ये वेगन और ग्लूटेन फ्री कुकीज़ है। तो आप इसको मॉर्निंग में मिल्क के साथ, ब्रेकफास्ट में भी आप इसको ले सकते हो, और आप इवनिंग स्नैक्स में भी ये कुकीज़ को आप एंजॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ये हेल्दी रेसिपी है और इससे आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।